हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिया गार्डन हब। आज हम देखेंगे ब्यूटीफुल फ्लावरिंग वाइन्स और क्लाइंबर्स इन इंडिया जो समर में ब्लूमिंग करते हैं। टॉप एंड बेस्ट वाइन्स की बात करेंगे हम। चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं, कौन कौन से ऐसे वाइन्स हैं जिसमें बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स की ब्लूमिंग होती है और इनके क्या क्या नाम हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और गार्डनिंग रिगार्डिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नंबर वन फ्लावरिंग वाइन्स हैं ये ट्रम्पेट वाइन्स, जिसे हम ट्रम्पेट क्रीपर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें समर में ढेर सारी ब्लूमिंग होती है। ये ऑरेंज कलर में है, येलो कलर के भी फ्लावर इसमें देखे जा सकते हैं। ट्रम्पेट वाइन ग्रो करना बहुत ही ईजी होता है, हार्डी और परमानेंट वाइन्स होते हैं। इनके फ्लावर्स ट्रम्पेट शेप में होते हैं और इनकी कटिंग प्रूनिंग करते रहने से इनकी शेप मेंटेन्ड रहती है और इस तरीके से इनको हम गार्डन में एग्जिट एंट्रेंस डोर पे बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ट्रम्पेट वाइन को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल की ज़रूरत नहीं है। ये रॉकी सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। वेरी हार्डी एंड लो केयर परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होते हैं ये। नेक्स्ट वाइन्स होते हैं अपराजिता के प्लांट, और ये खूबसूरत से फ्लावर हैं अपराजिता के। इन्हें हम ब्लू पी और बटरफ्लाई पी के नाम से भी जानते हैं। इसमें वाइट और पर्पल कलर के फ्लावर जनरली देखे जाते हैं। इनको हम इस तरीके से देखिए कितना ऊपर तक ये प्लांट जा चुका है, एंट्रेंस पे या किसी वॉल के सहारे वॉल को कवर करने के लिए बहुत अच्छे से इनको हैंग कर सकते हैं। ये ब्यूटीफुल एंड हार्डी क्रीपर होते हैं जिसमें फ्लावर्स की ब्लूमिंग होती है। अपराजिता सन लविंग वाइन्स होते हैं। इनको अगर धूप ना मिले तो इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं देखी जा सकती। इनफैक्ट इसमें समर में ब्लूमिंग बहुत ज़्यादा होती है, विंटर तक इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। अपराजिता प्रीफर मोस्ट सॉयल, सो इसमें हम वाटरिंग का भी ध्यान रखेंगे। रेगुलर या वन डे गैप करके भी इसमें हम वाटरिंग कर सकते हैं। 5 to 6 आवर्स की डायरेक्ट सनलाइट इनफ होती है इनके लिए और इनको हम वेल ड्रेनिंग फर्टिलाइजर रिच सॉइल दे सकते हैं। इसके अलावा इनके ग्रोइंग सीजन में हम वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। नर्सरी में इनके छोटे छोटे प्लांट अवेलेबल होते हैं, वैसे इनके सीड से इनको हम प्रोपगेट कर सकते हैं वेरी इजीली। नेक्स्ट है माय फेवरेट प्लांट मधुमालती, जिसे रंगून क्रीपर के नाम से भी जानते हैं। बड़े ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं, इसके 2-3 कलर में एक साथ बंच में खिलते हैं और इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। एवरग्रीन और कलरफुल प्लांट के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होते हैं। ये पेरेनियल वाइन्स होते हैं जिसमें समर टू टिल विंटर ब्लूमिंग होती है। इनके फ्लावर काफ़ी फ्रेग्रेंट वाले होते हैं। शेप को मेंटेन रखने के लिए कटिंग प्रूनिंग भी ऑफ सीजन में हमें करते रहना है। मधुमालती वाइन्स वैसे तो पेरेनियल होते हैं बट ये साल में 2 बार बहुत अच्छी ग्रोथ में होते हैं, जैसे ये मार्च जून में बहुत अच्छी ब्लूमिंग में होते हैं। इसके अलावा अगस्त से लेकर अक्टूबर तक इसमें ब्लूमिंग होती है। इनके जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो ऑर्गेनिक होने चाहिए और ये डायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इनको भी अगर हम इनडायरेक्ट सनलाइट दें तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं देखी जाएगी, फ्लावरिंग भी नहीं होगी। इंडिया में समर फ्लावरिंग वाइन्स में बोगनविलिया भी नंबर 1 पर है। जितने भी हाईवे होते हैं उसके आसपास बोगनविलिया हमें अवेलेबल होते हैं। ये इतने हार्डी होते हैं, लो केयर होते हैं कि हाईवे पर इतनी तेज़ धूप होती है, डायरेक्ट सनलाइट, रेनी सीजन, किसी भी सीजन में बिल्कुल ये एज इट इज़ टिके होते हैं और बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं हर सीजन में, हर क्लाइमेट में। इनकी कलर वेराइटी भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है इनके फ्लावर्स की, पिंक, रेड, पर्पल, वाइट, येलो, ऑरेंज, बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं बोगनविलिया के। आप देख सकते हैं ये भी हाईवे की ही क्लिप है और कितनी ज़्यादा मात्रा में इसमें ब्लूमिंग देखी जा सकती है। पूरा ये कवर किया हुआ है नीचे तक और आप देख सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट लग रहा है। और हाईवे में क्या बहुत ज़्यादा केयर भी हम डेली बेसिस पे नहीं करते हैं, फिर भी आप फ्लावर की खूबसूरती देख सकते हैं। तो एकमात्र हार्डी और परमानेंट प्लांट होते हैं जो बिगनर्स भी ट्राई कर सकते हैं, बट इनको हमें सनी लोकेशन में ही लगाना होता है क्योंकि ये प्रिफर करते हैं डायरेक्ट सनलाइट और सनी लोकेशन में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और जब इनका सीजन आता है समर सीजन टू टिल विंटर बहुत अच्छी फ्लावरिंग में होते हैं, ब्लूमिंग भी होती है कंटिन्यू। एंट्रेंस गेट होता है वहाँ पे भी आप इसे डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फास्ट ग्रोइंग वाइन्स होते हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। इनको भी हम प्रोपगेट कर सकते हैं इनके स्टेम कटिंग से और इनके प्लांट हमें नर्सरी में भी अवेलेबल होते हैं। इनके ट्री और स्टेम्स जो होते हैं थोड़ा सा कटीला होता है,
बट इनके फ्लावर टच करने से बहुत ही सॉफ्ट होता है, बिल्कुल पेपर की तरह लगता है इनका फ्लावर। मोगरा और जैस्मिन ये भी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं, वाइट कलर के सिंगल और डबल पेटल में फ्लावर आते हैं, इनमें भी कई सारी वैरायटी देखी जाती है। ये भी वाइंस और क्लाइंबर होते हैं, इनको हम वॉल के सहारे या किसी भी स्टिक से ऊपर तक ले जा सकते हैं। ये भी एंट्रेंस में और हमारे गार्डन में बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट इनके जो फ्लावर होते हैं ये भी फ्रेग्रेंस वाले होते हैं और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है जिससे इत्र भी बनता है मोगरा से, और इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती भी की जाती है। ये प्लांट भी हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरत लगता है और इसमें ब्लूमिंग होती है स्प्रिंग टू टिल विंटर, और ये बहुत हार्डी एंड लो केयर प्लांट भी होते हैं। मोगरा जैसा कि समर सीजन में ब्लूमिंग में होते हैं सो ये डायरेक्ट सनलाइट प्रिफर करते हैं, 5 to 6 आवर्स की सनलाइट इनके लिए बहुत अच्छी होती है। इनके ग्रोइंग सीजन में हम इनमें फर्टिलाइजर भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या एनी टाइप ऑफ कंपोस्ट, इसके अलावा इसमें एप्सम सॉल्ट भी हम ऐड कर सकते हैं जिससे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ में भी होते हैं। ऑफ सीजन में इनमें हम कटिंग प्रूनिंग करके इनके साइज को मेंटेन रख सकते हैं। ये खूबसूरत से फ्लावर है नास्टर्टियम, और ये भी बेस्ट वाइन्स होते हैं, इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं। इनके लीफ राउंड शेप में होते हैं और फ्लावर ट्रम्पेट शेप में होते हैं। कलर वैरायटी होती है इनके फ्लावर की, लाइक येलो, वाइट, पिंक, रेड, बहुत अच्छे लगते हैं ये भी। इनको हैंगिंग पॉट से लेकर वॉल को कवर करने के लिए और एंट्रेंस गेट पर भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये है स्टार जैस्मिन, इसके फ्लावर बड़े ही क्यूट से वाइट कलर में होते हैं जिसमें ढेर सारी मात्रा में फ्लावर्स की ब्लूमिंग होती है। छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं बट इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, फ्रेग्रेंट समर फ्लावर्स होते हैं। फास्ट ग्रोइंग वाइन्स होते हैं, इस वजह से इनकी कटिंग प्रूनिंग इनके ऑफ सीजन में हमें करना होता है। इसके अलावा इनके ग्रोइंग सीजन में आप इसमें फर्टिलाइजर भी ऐड कर सकते हैं। स्टार जैस्मिन फुल सनलाइट और मॉइस्ट सॉइल को प्रिफर करते हैं। ये है फ्यूशिया जिसमें बेल शेप में फ्लावर्स की ब्लूमिंग हुई है। ये प्लांट टेंडर पेरेनियल होते हैं, मीन्स कि अगर आप वार्म प्लेस में रहते हैं तो वहाँ पे एवरी ईयर बैक टू बैक इसमें ब्लूमिंग होगी इनके सीजन में। फ्यूशिया वैसे तो परमानेंट वाइन्स होते हैं बट इनका फ्लावरिंग सीजन होता है मई टू ऑटम, जहाँ कोल्डर जोन होते हैं वहाँ मोस्ट ऑफ द मंथ इनके फ्लावर की ब्लूमिंग होती है, फर्स्ट विंटर को छोड़कर। इसके अलावा इनके फ्लावर होते हैं रेड, वाइट, पिंक, पर्पल कलर में। फ्यूशिया को स्टेम कटिंग से इजली प्रोपगेट कर सकते हैं। जेरेनियम वाइन्स भी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ कोल्डर जोन होते हैं वहाँ तो सालों भर ब्लूमिंग होती है सिवाय फर्स्ट विंटर को छोड़कर, बाकी जहाँ पे वार्म क्लाइमेट होता है वहाँ पे इसमें ब्लूमिंग होती है मई एंड टिल ऑटम। और ये प्लांट भी परमानेंट और हार्डी होते हैं, इनके वाइन्स भी बहुत दूर तक जा सकते हैं, 9 से 10 फीट तक ये हो सकते हैं लंबे। हैंगिंग पॉट में भी ये काफ़ी सुटेबल होते हैं वॉल को कवर करने के लिए, एंट्रेंस को डेकोरेट करने के लिए आप इसे लगा सकते हैं। इनको प्रोपगेट करना भी वेरी इजी है, इनके स्टेम कटिंग से इनको हम प्रोपगेट कर सकते हैं। इनके फ्लावर भी कई सारे कलर में अवेलेबल होते हैं। ये है ग्रेटर पेरीविंकल वाइंस, और इन्हें पेरीविंकल के नाम से भी जानते हैं। इनके फ्लावर ब्लू कलर में होते हैं, इन्हें ब्लू बिंका के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इतने हार्डी होते हैं कि इन्हें हम जंगलों में भी देखे जा सकते हैं और बहुत अच्छे से ये पूरे वॉल को कवर कर लेते हैं, और फास्ट ग्रोइंग वाइंस होते हैं ये। इनको स्टेम कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है। ये पर्पल हार्ट प्लांट है, ये भी बहुत अच्छे वाइन्स होते हैं, इनके लीफ पर्पल कलर के होते हैं, इसमें लाइट पिंक फ्लावर भी आते हैं, समर सीजन में बहुत अच्छे ग्रोथ में होते हैं। इस तरीके से इन्हें हम हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं जो वॉल को कवर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, इनकी कटिंग भी लग जाती है। क्लोरोपाइथम कोमोजम इनका बोटेनिकल नेम है। ये है स्पाइडर वाइंस जिसे कॉमनली स्पाइडर प्लांट के नाम से जानते हैं। ये कम्प्लीटली इंडोर प्लांट होते हैं बट इसे आउटडोर पार्शियल शेड में या शेड में हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट जो होते हैं बेस्ट एयर प्योरीफाइंग भी होते हैं। इनको हैंगिंग पॉट से लेकर हम इस तरीके से नॉर्मल छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं जिनको इनके बेबी प्लांट और इनके रूट डिवीजन से हम बहुत ईजिली प्रोपगेट कर सकते हैं। ये इतने हार्डी होते हैं कि एक बार गार्डन में ऐड होने के बाद कभी ख़त्म नहीं होते हैं। स्पाइडर वाइंस में छोटे वाइट कलर के क्यूट से फ्लावर भी आते हैं, इंडोर में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो
आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।